कि आप जानते हैं कि गर्मी आ चुकी है, हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे पावर कट काफी कॉमन है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा कूलर बनाने वाले हैं जिसे कि आप दोस्तों पावर बैंक की मदद से चला सकते हैं। अब दोस्तों इसकी एक और खास बात यह होगी कि इसे बनाना काफी ज्यादा आसान है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जुगाड़ो ब्रदर्स में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना कूलर। दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है ये सर्किट। दोस्तों इसकी मदद से हम आज इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। इसका नाम है डीसी बूस्टर सर्किट। दोस्तों इसमें जो ये नॉब है इसकी मदद से आप कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और सीपीयू फैन जैसी बड़ी चीज को भी आसानी से चला सकते हैं कम वोल्टेज का यूज करके। नेक्स्ट चीज दोस्तों आती है ये सर्किट डायग्राम। दोस्तों ये मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको कनेक्शन करने में आसानी हो। तो ये देखिए एक तरफ इनपुट है और एक तरफ आउटपुट है। तो इनपुट के तौर पे आपको क्या करना है, ये पावर बैंक का यूज करना है। अगर पावर बैंक ना हो तो आप मोबाइल के चार्जर का यूज करके भी इसे पावर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया है कि एक चार्जर को एज अ वोल्टेज सोर्स कैसे यूज किया जा सकता है, तो आप वो जाके जरूर देखें। दोस्तों आउटपुट पे क्या है कि आपको सीपीयू फैन कनेक्ट करने हैं। तो इसमें दोस्तों पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव है उसे रेड वाली वायर के साथ कनेक्ट कीजिए और नेगेटिव जो है उसे ब्लैक वाली वायर के साथ, तभी दोस्तों आपका सीपीयू फैन रन करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये कनेक्शन आप जरूर देख लीजिए। अब फटाफट से क्या करते हैं, इसे प्रैक्टिकल सर्किट बना लेते हैं। तो ये देखिए इनपुट के तौर पे मैंने क्या किया है, एक यूएसबी केबल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया ताकि मैं पावर बैंक की मदद से उसे पावर कर सकूं। तो फटाफट से इसके पोर्ट में इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं ताकि इसे इनपुट मिल सके। अब आउटपुट पे क्या करना है, आपको सीपीयू फैन कनेक्ट करना है। तो देखिए ये सारे काम मैं फटाफट से कर लेता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरीके की वीडियोस का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। तो ये देखिए दोस्तों कनेक्शंस हो चुके हैं रेडी और अब हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्क करने के लिए तैयार है। मगर ये दोस्तों सिर्फ सर्किट है, अब हमारा जो मेन मॉडल है कूलर का वो हम बनाने वाले हैं थर्माकोल की मदद से। दोस्तों आपको इस तरीके की चार पीसीस की जरूरत पड़ने वाली है और दो इक्वल पीसीस की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका कूलर काफी ज्यादा बढ़िया बनने वाला है। तो दोस्तों डायमेंशन का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बारी आती है इनको कटआउट करने की, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कटर का। तो दोस्तों आप भी क्या कर सकते हैं, कटर का यूज करके इसे काट सकते हैं। मगर दोस्तों मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप हल्का अपने कटर को गर्म कर लेंगे तो आपके लिए ये जो काम है काफी ज्यादा आसान भी हो जाएगा और जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें फिनिशिंग भी आएगी और इसके पीसीस काफी अच्छे से गर्म करने के बाद कटते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो यूज करें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीपीयू फैन की मार्किंग लेनी है अपने ये चार पीसीस में से एक पीसीस को लेकर। अब क्या करना है, इसके ऊपर मार्किंग इस तरीके से आपको लेनी है ताकि इसके अंदर हम होल बना सकें और अपने सीपीयू फैन को इंसर्ट कर सकें। तो इसके लिए भी मैं यूज कर रहा हूँ कटर का। तो कटर से क्या है, काफी ज्यादा काम आसान हो जाता है, वरना काफी दिक्कत आती है अगर कोई और मेथड आप यूज करते हैं। तो कटर की मदद से ये काम काफी आसान है। और अगर मान लीजिए कटर गर्म है तो क्या ही कहने, क्योंकि काफी आसान हो जाता है उसके बाद उसे काटना। तो ये देखिए फटाफट से मैं कटआउट करके पीस निकाल लेता हूँ ताकि हम इसके अंदर सीपीयू फैन को इंसर्ट कर सकें। तो देखिए दोस्तों परफेक्ट साइज आया। अब फटाफट से मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको फेविकॉल की मदद से चिपका देता हूँ। दोस्तों फेविकॉल की मदद से आप ध्यान रखिएगा कि इसे चिपकने में समय जरूर लगता है, मगर चिपकने के बाद काफी अच्छे से ये स्टिक हो जाता है और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। दोस्तों बस ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा समय दीजिए क्योंकि ये कार्डबोर्ड की तरह जल्दी नहीं चिपकता है, इसे थोड़ा सा समय लगता है। तो फटाफट से इसके चौथे पीस को भी मैं इस पे चिपका देता हूँ और साइड साइड से भी ग्लू अप्लाई कर दीजिए ताकि ये काफी अच्छे से मजबूती से जुड़ जाए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके पीछे एक स्लिट काटनी है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने कटोरी को इसके अंदर से डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने एक केसिंग भी बना लिया अपने सर्किट के लिए और इसे मैं पीछे लगा दूंगा ताकि ये काफी अच्छा लगे। तो ये देखिए फेविकॉल की मदद से इसको मैंने चिपका दिया है और ये काफी बढ़िया और साफ सुथरा सा प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि अंदर में अगर रखते तो पानी वगैरह या किसी भी वजह से वो खराब हो सकता था, इसलिए मैंने उसे सेपरेटली लगा दिया। अब क्या करना है, आपको अपने टॉप और बॉटम के पीसीस को भी इसके ऊपर लगा देना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हो जाए। तो फटाफट से इन्हें भी मैं फेविकॉल की मदद से चिपका देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, टॉप बॉटम के पीसीस भी लग गए और ये स्लिट का अभी अभी मैं आपको यूज बताऊंगा कि इसके वो मैंने क्यों काटा है। तो आप फटाफट से क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं कि ये अंदर जा रही है कि नहीं जा रही।
और इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, हम आइस क्यूब डालेंगे ताकि जो हमारी हवा है वो ठंडी आ सके। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा टेस्टिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ कूलर बना भी लिया तो दोस्तों, अगर आपने कूलर बना लिया हो तो नीचे कमेंट में बताइए दोस्तों, हमें काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरीके की कमाल का वीडियो आप तक लगातार पहुँचता रहे। तो पैसों को मत करो बर्बाद, मिलेगी नई वीडियो में लेके आने जुगा। तब तक दोस्तों क्या करोगे, कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाओ ना।